हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ छोटे बच्चे, यानी 6 महीने से लेकर आप 15 महीने तक या 2 साल तक आप इन्हें बच्चों को दे सकते हैं एप्पल की प्यूरी। आज हम बनाएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए इसे देखते हैं बनाना कैसे है। तो हमें लेना है एक एप्पल, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम इसे छील लेंगे और फिर इसे कट करेंगे। तो सेब बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें फाइबर और पोटेशियम ज़्यादा होता है और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेब हम बच्चों को रोज़ दे सकते हैं। सेब में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एप्पल में जो विटामिन होता है वो है A, B, E और K। तो एप्पल को कट कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे बॉइल कर लेते हैं। तो सेब की प्यूरी खिलाने से बच्चों की हड्डियाँ मजबूत बनती हैं और उनका ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट है। एप्पल में विटामिन सी होता है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एप्पल को हमें तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो एप्पल देने से पहले हमें डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को सेब खाने के बाद कुछ भी एलर्जी दिख रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो एप्पल्स को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और एप्पल्स अब ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसे कट करके देख रही हूँ और ये बहुत ही ईजिली कट हो जा रहा है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ मैंने सेब को ठंडा कर लिया है। अब हमें लेना है ग्राइंडर जार। तो सेब के साथ मैं केला ऐड कर रही हूँ, आधा केला मैंने लिया है। तो केले में फाइबर होता है, केला बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बच्चों को। केला खिलाने से बच्चों का पेट अच्छे से भर जाता है, तो आप इसमें केला ज़रूर ऐड करें। ये मैं 1 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो आप चाहे तो सिर्फ इसे सेब के साथ ही बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने गाय का दूध लिया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा गाय का दूध डालूंगी। तो 6 महीने के बच्चे के लिए आप स्तन का दूध या फिर फॉर्मूला दूध ही यूज़ करें। तो अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो अभी ये रेडी है बच्चे को खिलाने के लिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जब भी इस रेसिपी को बनाएं बच्चे के लिए, आप उन्हें तुरंत खिलाएं। इसे रखने के बाद 1-2 घंटे के बाद इस तरह से ना करें, इन्हें तुरंत बना के हल्के गर्म में ही खिलाएं। एप्पल का तो लीजिए, सेब की प्यूरी बनके तैयार है। छोटे बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में और ये बहुत ही हेल्दी है उन्हें खिलाना। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।